24 अगस्त 2003 को राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अखिल विश्व गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन शांति कुंज हरिद्वार द्वारा नव निर्मित गायत्री चेतना केंद्र के लोकार्पण के साथ आध्यात्मिक सांस्कृतिक जागृति का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मध्यवर्ती धुरी मानकर नोएडा में स्थापित किए गए इस केंद्र से गायत्री महाविद्या के प्रसार के साथ ही स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सत साहित्य के विस्तार के कार्यों को भी गति मिलेगी। इस केंद्र में गायत्री माता की दिव्य प्रतिमा और भव्य मंदिर के अलावा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के समग्र अभियान का परिचय देने वाली एक विहंगम प्रदर्शनी के साथ ही साहित्य विस्तार पटल, मल्टीमीडिया केंद्र, कॉन्फ्रेंस हॉल की भी व्यवस्था है। लोकार्पण समारोह की शुरुआत प्रातः गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में श्रद्धेया शैल जी और श्रद्धे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की। मुख्य कार्यक्रम से पूर्व प्रातः 10 बजे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी का आगमन हुआ। सबसे पहले महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने गायत्री मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन संपन्न हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं युग निर्माण मिशन शांति कुंज हरिद्वार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज गायत्री चेतना केंद्र नोएडा के लोकार्पण समारोह में हमारे बीच पधारे हैं महामहिम उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री विष्णुकांत जी शास्त्री, आप कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, संचार एवं सूचना राज्य मंत्री माननीय श्री अशोक प्रधान जी, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की संस्था प्रमुख परम श्रद्धे जी श्रीमती शैल बाला पंड्या जी तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या, हम आप सभी का सादर अभिवादन करते हैं और विनम्र अनुरोध करते हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी एवं मंचस्थ सभी अतिथिगणों से कृपया दीप प्रज्वलित कर एवं गुरु सत्ता को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विधिवत आज के समारोह का शुभारंभ करें। हम कामना करते हैं कि दीपक का ये प्रकाश हमारे पथ को आलोकित कर हमारे धर्म कर्म एवं मर्म को राष्ट्रहित से जोड़े। और अब महामहिम उपराष्ट्रपति जी का फूलों से अभिनंदन करेंगे माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या।
महामहिम राज्यपाल जी का फूलों से स्वागत करेंगे आदरणीय श्री ओपी सोनी। आदरणीय शैल जी जी का फूलों से अभिनंदन करेंगे श्री आलोक अग्रवाल। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या का पुष्पों से अभिनंदन करेंगे श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आस्था विश्वास की भूमि है भारतवर्ष। ये पुण्य भूमि अनेक ऋषियों एवं मुनियों की तपस्थली रही है, जिन्होंने कठोर तपस्या द्वारा सत्य की खोज और मन की शांति को यहीं प्राप्त किया। लेकिन आज भौतिक उन्नति के इस युग में जो हमने खोया है वो है मन की शांति, मन का सुकून। हरिद्वार का गायत्री तीर्थ शांति कुंज इसी दिशा में किया गया एक पुण्य प्रयास है, जो राष्ट्र के नैतिक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए पूर्णतः समर्पित है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा की प्रचंड तप साधना के संस्कारों से अनुप्राणित ये पावन स्थल मानव मात्र के तन मन एवं अंतःकरण को परम आनंद एवं शांति देता है। यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों से न केवल शरीर को स्वस्थ एवं चुस्त रखा जाता है, बल्कि योग एवं ध्यान द्वारा मन को भी स्वस्थ एवं संयत रखने के विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ आने वाला हर साधक स्वस्थ भी बने और सुसंस्कारी भी, यही इसका चरम लक्ष्य है, क्योंकि इनका मूल मंत्र है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आज उसी दिव्य चेतना का प्रसार करते हुए राजधानी दिल्ली में भी गायत्री चेतना केंद्र का लोकार्पण महामहिम उपराष्ट्रपति जी के करकमलों से होने जा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या, जिन्हें सम्मान से सभी डॉक्टर साहब कहते हैं और जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, बेंगलोर की योग महाविद्यापीठ के अध्यक्ष भी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इस गायत्री चेतना केंद्र के निरंतर प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस चेतना केंद्र की विभिन्न गतिविधियों पर कुछ प्रकाश डालें। डॉक्टर प्रणव पंड्या। गायत्री महामंत्र के साथ सद्बुद्धि की प्रार्थना। हमारे जीवन में, अंतःकरण में, मन में, कण कण में गायत्री महाशक्ति का संचार हो, इस भाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। आज गायत्री चेतना केंद्र के लोकार्पण समारोह में हमारी गुरुसत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी श्री भैरव सिंह जी शेखावत, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री विष्णुकांत जी शास्त्री, हमारे बीच में विराजमान श्री अशोक प्रधान जी संचार एवं सूचना राज्य मंत्री, हमारे बीच में बैठे हुए श्री महेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री, हमारे नवाब सिंह जी नागर साहब सिंचाई राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे बीच में बैठी हुई और आप सबकी प्रिय शैल दीदी, सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं। श्री अरविंद ने अपने 1905 को का 5 की 7 जुलाई को लिखे हुए एक पत्र में अपनी पत्नी मृणालिनी को लिखा है कि मेरे 3 पागलपन हैं। पहला पागलपन ये कि मैं किसी भी स्थिति में भगवान की दी हुई निधि को मानता, मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना मेरे लिए ज़रूरी है उतना मैं स्वीकार करूँगा, बाकी भगवान को वापस दे दूँगा। तुम क्या इस पागलपन में मेरा साथ दे पाओगी?
मैं अपने लिए औसत निर्वाह के लायक जितना कुछ रखूंगा उतना रखूंगा, और बाकी भगवान है ऐसा मानते हुए मैं उसकी ऊपर सारी व्यवस्था छोड़ दूंगा। पहला पागलपन। दूसरा पागलपन उन्होंने बताया कि मेरा दूसरा पागलपन ये है कि मैं भगवान को अपने अंदर उपस्थित मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि भगवान की अनुभूति की जा सकती है, भगवान का दर्शन किया जा सकता है, और उसके चिन्ह में अपने अंदर विकसित होते हुए देख रहा हूँ। और तीसरा पागलपन ये कि मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वदेश मेरी माता है। अगर इस राष्ट्र रूपी माता की छाती पर चढ़कर कोई स्तनपान करने की कोशिश करे और उसके केशों से खेले तो मेरे अंदर भी वही गुस्सा आएगा जो किसी भी बालक के अंदर आ सकता है, और ऐसी स्थिति में मेरी राष्ट्रभूमि, मेरी राष्ट्र माता जिसे मैं पाँव से पकड़ता हुआ समुद्र के रूप में और बिखरी हुई केश जटाओं के रूप में और नगाधिराज हिमालय के रूप में उसके मुकुट के रूप में देखता हूँ, क्या तुम स्वीकार कर पाओगी? मेरे तीन पागलपन तुम साथ लेके चल पाओगी? भाइयों बहनों, मैंने केवल कोई किस्सा सुनाने के लिए नहीं कहा बल्कि एक पागलपन बताने के लिए कहा जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में पैदा हुआ, युग परिवर्तन। आज की स्थिति में कोई भी कहेगा कि युग परिवर्तन एक प्रकार का पागलपन है। परिस्थितियाँ कितनी विषम है, कैसा समाज बदलता चला जा रहा है, सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, मानसिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है, उद्वेग बढ़ता चला जा रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ समस्याएं बढ़ रही हैं। पर ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी महापुरुष ने संकल्प लिया और संकल्प लेने के साथ साथ गायत्री महाशक्ति को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया और उस गायत्री महाशक्ति को जन जन तक पहुँचा कर ही अपनी अंतिम श्वास ली और गायत्री जयंती के दिन ही अपनी अंतिम श्वास ली, न केवल वो अपना कार्य कर गए बल्कि अपने सामने एक तंत्र ऐसा खड़ा कर गए कि उनकी सूक्ष्म शक्ति से सारा तंत्र चलता चला जाए। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, दोनों ने मिलकर के इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया कि आज चेतना जगत में एक उफान सा आया है। गायत्री शब्द शक्ति है, गायत्री चेतना का ईंधन है, और गायत्री प्राणों की रक्षा करने वाली विधा है। जो गायत्री को जीवन में उतारता है वह स्वस्थ रहता है, तनाव मुक्त रहता है, शांत जीवन जीता है। और मैं सोचता हूँ ऐसी गायत्री की, चेतना की जितनी ज़्यादा जरूरत दिल्ली को है उतनी की और किसी नगर को नहीं। दिल्ली भारत का दिल है, और भारत का दिल होने के नाते दिल की चिकित्सा होनी चाहिए। मैं बेसिकली एक फिजिशियन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आज कितनी बाईपास सर्जरी हो रही है। दिल्ली के बाईपास सर्जरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली जितनी बीमार है उतना ही बीमार हमारा राष्ट्र है। यदि दिल सही हो जाएगा तो सारा राष्ट्र सही हो जाएगा। तो दिल्ली को ठीक करने के लिए एक सेनेटोरियम खोला है हम लोगों ने। इसको आप ये मान लीजिए कि दिल्ली में आध्यात्मिक चेतना के विस्तार का, दिल्ली में सद्भावनाओं के विस्तार का, दिल्ली में संवेदनाओं के विस्तार का, और दिल्ली में प्रैक्टिकली कहा जाए तो गायत्री चेतना को जन जन तक पहुँचाने का। दिल्ली से मेरा मतलब केवल दिल्ली नगर नहीं है, दिल्ली से मेरा मतलब है सारा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन फैले और उस चिंतन के माध्यम से लोगों की अनास्था आस्था में बदले, लोगों की दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदले, और अगर ये बदल गया तो देखते देखते सारे शहर बदलते चले जाएंगे। शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में हम और भी केंद्र खोलने जा रहे हैं इसी प्रकार के, और हम एक आश्वासन देते हैं कि गुरुदेव का जो स्थान स्थान पर शक्तिपीठ पहुँचाने का स्वप्न था, उसी स्वप्न के अंतर्गत ये शक्तिपीठ पहला हमारा एक बड़े विराट रूप में स्थापित हुआ है, जहाँ से गायत्री की चेतना जन जन तक जाएगी, केवल नोएडा ही नहीं बल्कि सारे भारत के कोने कोने में। यहाँ से हम प्रशिक्षण देंगे राजनेताओं को, प्रशिक्षण देंगे अधिकारियों को, प्रशिक्षण हम देंगे जितने भी हमारे विधायक और सांसद हैं उन सभी को। क्या प्रशिक्षण देंगे? जीवन जीने की कला का, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए और कैसे यहाँ व्यवस्थित ढंग से हमें जीवन जीना चाहिए, कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, ये सारा का सारा तंत्र यहाँ खड़ा किया गया है। सर्वजन हितार्थाय बहुजन हितार्थाय, स्वामी विवेकानंद का सूत्र था, उस सूत्र को सामने रखते हुए हम गुरुदेव के सतयुग के स्वप्नों के महल को खड़ा करने जा रहे हैं। दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं आज, उन सब समस्याओं का समाधान यहाँ से हम कर सकेंगे, ऐसी हमारी मन में जो महत्वाकांक्षा है उसको हम आने वाले 3-4 वर्ष में आपको करके दिखाएंगे। कि इस 5 मंजिले भवन को आप एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग न माने, इसको जीता जागता गायत्री शक्ति का एक पुंज माने, और यहाँ से किस तरह से देखते देखते एक क्रांतिकारी स्वप्न साकार होता चला जाता है कि नोएडा ही नहीं, पूर्वी दिल्ली ही नहीं, उत्तरी दिल्ली और उसके दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उसके अंत में मध्य दिल्ली, जहाँ हमारी संसद है, ये सब बदलते हुए दिखाई पड़े, परिवर्तन दिखाई पड़े,
चारों तरफ युग परिवर्तन की आवाज दिखाई पड़े, जहां हमारी एम्बेसीज है वहां के एम्बेसडर भी यहां आते दिखाई पड़े, और देखते देखते लोगों को युग परिवर्तन का सारा साकार स्वरूप जो शांति में हरिद्वार ने तैयार किया है वो होता हुआ दिखाई पड़े, ऐसी इसकी स्थापना का मूल मर्म है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमने हरिद्वार में आरंभ किया है। ये विश्वविद्यालय उत्तरांचल राज्य के एक्ट के माध्यम से आरंभ हुआ है। उस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक शाखा हम यहाँ चलाएंगे, स्वावलंबन सिखाएंगे, और इसकी कई शाखा प्रशाखाएं, कई महाविद्यालय हम दिल्ली के विभिन्न केंद्रों में बनाएंगे, जिसको हम फरीदाबाद भी मानते हैं, गुड़गांव भी मानते हैं, और ये पांचों दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको भी मानते हैं। सभी में हमारे महाविद्यालय स्थापित होंगे जो कि विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे, और विश्वविद्यालय का एक एक्सटेंशन सेंटर हमारा ये बनेगा गायत्री चेतना केंद्र। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस केंद्र के माध्यम से गायत्री की चेतना जन जन तक पहुंचेगी, सद्बुद्धि का विस्तार करेगी, और प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों के दिमाग को जीवन को बदलेगी। प्रशिक्षण में बड़ी शक्ति होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षित करके ही हम सबको बदला है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाया है, और अनगढ़ से सुगढ़ बनकर यदि व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में लग जाए तो मैं सोचता हूँ श्री अरविंद के तीनों पागलपन सही होते चले जाएंगे। जो उन्होंने कहा था वो सही मान लेंगे हम लोग, कि सबके दिमाग में पागलपन पैदा होना चाहिए, और आचार्य श्री ने जिस प्रकार से युग परिवर्तन का स्वप्न देखा वो भी साकार होता चला जाएगा। मैं सभी अतिथियों का भाव भरा स्वागत करता हूँ हमारे गायत्री चेतना केंद्र के लोकार्पण समारोह में। आप लोग पधारे, बड़ी परिश्रम से लोगों ने तैयार किया है, बड़ी मेहनत की है यहाँ पर, एक एक व्यक्ति एक एक स्वयंसेवक ने बड़ा परिश्रम किया है, और आप दोनों ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने और महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने भी यहाँ पधार करके सभी कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। मैं आप सबका भावभरा अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर पंड्या ने बहुत ही सार्थक बात कही कि गायत्री शब्द शक्ति है जिसके स्तवन से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, शांत रहता है। ऐसी गायत्री की दिल्ली में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये दिल्ली के माध्यम से ये ज्योति संपूर्ण राष्ट्र में फैलेगी। हम दिल्लीवासी गायत्री परिवार का हृदय से इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर पंड्या का भी आभार व्यक्त करते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है शांति कुंज हरिद्वार, जिसकी प्रमुख है परम आदरणीय जी श्रीमती शैलबाला पंड्या। ममता की मूर्ति, स्नेह एवं वात्सल्य से अभिरंजित जीजी ने परम वंदनीय माता जी की धरोहर को धैर्यपूर्वक विधिवत संभाल कर रखा है, और गायत्री परिवार के असंख्य भक्तजनों को संरक्षण दिया है। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपने दिव्य वचनों से कृपया सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय जी ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे माननीय अतिथि महोदय, मनुष्य के अंदर ये कहा जाता है तीन बड़ी बड़ी सामर्थ्य हैं, तीन बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्ति है? एक शक्ति है उसके शारीरिक बल की, एक शक्ति है उसकी विचार की शक्ति, एक शक्ति है धन की शक्ति, लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक जो शक्ति है उसका नाम है भाव संवेदना। भाव संवेदना वो सामर्थ्य है, वो जब आदमी के अंदर जागृत होती है तब अंदर से एक हूक उठती है, एक ज्वार उठता है, कुछ कर गुजरने का एक उल्लास पैदा होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री तपोभूमि की स्थापना की थी उसकी पहले मन में विचार किया था। स्वाधीनता की लड़ाई के कुछ दिन बाद ही बापू से चर्चा होती रहती थी, राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा लेकिन राष्ट्र समर्थ कैसे होगा। एक ही बात थी, जब तक श्रेष्ठ नागरिक और संस्कारवान लोग नहीं होंगे तब तक राष्ट्र समर्थ नहीं हो सकता। गुरुदेव ने मन में एक कल्पना की कि हम एक ऐसा स्थान बनाएं जहां से महामानवों की टकसाल पैदा हो, और उन्होंने तपोभूमि की स्थापना की। विचाराधीन थे ये सोचकर
कि हाथ में कुछ था नहीं, मन में कल्पना इतनी बड़ी, मन में भाव देश समाज संस्कृति के लिए जीने वालों की अनूठी दुनिया पैदा करने के लिए। वंदनीय माता जी उनके पास थी, पूछने लगी आज क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं। गुरुदेव ने अपने मन की व्यथा कह सुनाई। कहने लगे एक ब्राह्मण जब तक अपना प्रामाणिकता न दे, अपना चरित्र सामने न रखे, तब तक समाज के लिए उदाहरण बन नहीं सकता। कहाँ से पैसा लाऊं मेरी समझ में नहीं आता। वंदनीय माता जी कहने लगी मेरे होते हुए आप परेशान क्यों होते हैं, मेरे जेवर किस काम में आएंगे। गुरुदेव कहने लगे एक तो धन, दूसरा लोग ये कहेंगे अपना तो कुछ लगाया नहीं, पत्नी का था वो भी दाव पे लगा दिया। माता जी ने एक ही बात कही, देश समाज संस्कृति के लिए जिस होम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें एक आहुति मेरी भी पढ़नी चाहिए। और उन्होंने अपने सारे जेवर गायत्री तपोभूमि के लिए दान कर दिए थे। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं गायत्री तपोभूमि की स्थापना सबसे पहली स्थापना हुई और आज सारे देश भर में 4,500 से शक्तिपीठें ज़्यादा जो दिखती हैं वो उसी लोक मंगल के समाज में जो उन्होंने अपना बीज बोया था उसी वट वृक्ष की सारी जड़ें हैं। आज गायत्री क्षेत्र केंद्र जिसके हम लोकार्पण के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे वो महामानव गढ़ने की टकसाल का संकल्पना जिनकी थी, वो भावनाएं जिनकी थी कि भाव संवेदनाओं से भरी पूरी प्रतिभा का नियोजन वो देश समाज संस्कृति के लिए करेंगे। भगवान करे उनके भावनाओं पर उनके संकल्पों पर उनके बच्चे खरे उतरते रहे। यहाँ रहने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे भाई बहन देश समाज संस्कृति के लिए अपने संकल्पों के लिए आगे बढ़े। ओम शांति। मानव की सबसे बड़ी शक्ति है भाव संवेदना, जो कुछ कर दिखाने का संकल्प पैदा करती है। आज इसके अभाव में राष्ट्र का व्यक्तित्व विश्रृंखल हो उठा है। ये चेतना केंद्र ऐसी भाव प्रवणता हम सभी में जगाएगा, महामानव का निर्माण करेगा। ऐसा संकेत दिया आदरणीय जी जी ने और अपने श्रीमुख से सभी को आशीर्वचन दिए। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री विष्णुकांत जी शास्त्री साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं, सरस्वती के वरद पुत्र हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपनी विद्वत्वाणी से सभी को अनुग्रहित करें। एक बहुत बड़ा स्वप्न देखकर गायत्री चेतना केंद्र का नोएडा में निर्माण किया गया और अब उसका लोकार्पण हो रहा है, वह कार्य में उतर रहा है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो स्वप्न देखा गया है उसको मूर्त किया जाए। और वो कैसे होगा, बार बार इस बात का दुख निवेदित किया गया है कि आज कि हमारी जो चेतना है, आज की जो हमारी जीवन पद्धति है वो हमको अस्वस्थ बना रही है, वो हमारे मन में अशांति ला रही है। हम कैसे स्वस्थ हों, कैसे शांति पा सकें, कैसे हम सचमुच देव मानव की कल्पना को रूपायित कर सकें, इसकी जिज्ञासा, इसको जानने की इच्छा हम सब के मन में है। उसी संबंध में दो चार बातें मैं आपकी सेवा में रख रहा हूँ। पहली बात कि हम स्वस्थ शब्द का ठीक अर्थ समझ लें। मोटे तौर पर हम लोग समझते हैं हेल्दी, तंदुरुस्ती यानी स्वस्थता, इससे कुछ अधिक है। आपने निकटस्थ शब्द सुना होगा, उसका मतलब होता है निकट में स्थित, दूरस्थ मतलब जो दूर में स्थित है, विदेशस्थ माने जो विदेश में स्थित है, देशस्थ माने देश में स्थित है, स्वस्थ का मतलब जो अपने में स्थित है। इस बात पर ध्यान जाना चाहिए, स्व में स्थित, हम अपने आत्मस्वरूप में, अपनी चेतना में, अपने आपे में, अपनी मर्यादा में अगर स्थित नहीं होंगे, अगर हमारा शरीर का अंग प्रत्यंग
उस मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा, चाहे वो फूल जाए या पिचक जाए, तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। और आज आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारी अस्वस्थता का मूल कारण ये है कि सामान्य समाज की मान्यता हो गई है कि धन ही सम्मान का एकमात्र मूल आधार है, और इसलिए चेष्टा होती है कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे तैसे हम धन संग्रह कर लें। और ये सारी बातें हमको अपनेपन से दूर ले जाती है, स्व से पर की ओर ले जाती है, और हम अपने में स्थित नहीं रह सकते, हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, और हम जो भी आचरण करते हैं वह आचरण इतना विरूप होता है, इतना गलत होता है, भ्रष्टाचार उसी से पनपता है, और हम कल्पना करते हैं कि उससे हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांति रहेंगे, शांति का अनुभव कोई कैसे हो सकता है। मूल ही में जो बात गलत है उसको सुधारे बिना और अपने आप को सुधारे बिना, आचार्य श्री राम जी शर्मा के मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, उन्होंने ईमानदारी की बातें, आधारभूत बातें बताई। पहली बात ये बताई कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, दूसरों को मत सुधारो भाई, पहले अपने आप को सुधार लो। बिना अपने आप को सुधारे हम जब दूसरों को सुधारने का नाटक करते हैं तो स्वयं भी बिगड़ते हैं, दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। निर्माण का एक ही रास्ता है कि हम पहले स्वयं सुधर जाएं, हम पहले खुद अच्छे बने, अपने आपे में अपनी मर्यादा में हम स्थित हों, तब हम दूसरों को उस दिशा में ले जाने की प्रेरणा दे सकते हैं। कथनी और करने की एकता के बिना किसी की बात में विश्वास आता नहीं, उत्पन्न होता नहीं। इसलिए दूसरों को सुधारने की बात छोड़िए, अपने को हम लोग सुधारें, ये संकल्प लें पहली बात। और दूसरी बात कि ये केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा संभव है। गायत्री महामंत्र हमारे सामने जो भूमिका प्रस्तुत करता है वो ये है कि तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान सविता की उस वर्णीय तेज का मैं ध्यान करता हूँ जो मेरी बुद्धि को शुद्ध कर अच्छे कार्यों में लगाए। दो बातों को इस पर ध्यान जाना चाहिए। पहली बात, श्रद्धा के साथ हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी शक्ति से प्रेरणा प्राप्त करने का हमारा ये प्रयास उस आंतरिक श्रद्धा पर निर्भर करता है जो सत्य के अनुभव पर आधारित है। श्रद्धा अमौलिक नहीं हो सकती, भित्तिहीन नहीं हो सकती, महत्व की अनुभूति के द्वारा ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी के प्रति आपके मन में श्रद्धा कम होती है जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके महत्व का अनुभव करते हैं। जब कोई बड़ा सत्य आपके जीवन में उद्घाटित होता है और उसके अनुभव के द्वारा आपके मन में श्रद्धा जागती है। हम इस विश्व ब्रह्मांड में मानव का शरीर लेकर के आए हैं, एक बड़े साधक के रूप में, एक बड़ी साधना के लिए साधन के रूप में हमको ये मानव का शरीर मिला है, ये श्रद्धा होनी चाहिए, और तब हम बुद्धि को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। शुद्ध बुद्धि, शुद्धा ही बुद्धि ही केवल कामधेनु हो, जो शुद्ध बुद्धि है वो कामधेनु के समान है, उससे हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि को शुद्ध करने के बाद, श्रद्धा के साथ उसको जीवन में स्वीकार करने के बाद और आधुनिक चुनौतियों से जूझने के बाद साथ साथ विकसित होती है अपने मन में। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी रक्षा कैसे करते हैं? नहस्ते यष्टिमादाय देवा रक्षन्ति साधकम् यन्तु रक्षितुमिच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। हाथ में लाठी लेकर भगवान किसी की रक्षा नहीं करते, देवता किसी की रक्षा नहीं करते। जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको शुद्ध बुद्धि देते हैं, सुबुद्धि देते हैं। बुद्धि शुभ हो, शुद्ध हो, बुद्धि में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का मैल न लगा हो, ये साधना हमको अपने को बदलने के लिए और तब समाज को बदलने की क्षमता देने के लिए तैयार करती है। जिसका नाश करना चाहता है परमात्मा उसको क्या करता है? बुद्धि हर लेता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति,
बुद्धि के नाश से मनुष्य का विकास होता है और शुद्ध बुद्धि के संयोजन से मनुष्य का विकास होता है, इस आधारभूत सत्य को गायत्री परिवार ने स्वीकार किया है। हम जो गायत्री परिवार के अंग अपने को मानते हैं, जो ये अनुभव करते हैं कि एक बड़ा उद्देश्य परमात्मा का है हमको आपको मानव शरीर देने में, हम राम के लिए, रामत्व के लिए समर्पित होकर काम करें और तब असंभव संभव हो सकता है, भगवान करे ऐसा हो। और अब देव संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को जौनपुर विश्वविद्यालय की डीएससी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर प्रणव पंड्या का हम अभिनंदन करते हैं और महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। महामहिम उपराष्ट्रपति जी। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री अशोक प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के सिंचाई राज्य मंत्री श्री नवाब सिंह जी नागर, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री महेंद्र सिंह जी यादव, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रीमती सहलवाला जी, उपस्थित सज्जनों व देवियों, मैं सबसे पहले पंड्या जी के प्रति और सैल बालाजी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि नोएडा के इस केंद्र का, चेतना केंद्र का लोकार्पण करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। चेतना केंद्र मैंने देखा, देखने से मुझ में चेतना पैदा हुई। कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को अपनी बीमारी पूरी तरह से समझा नहीं पाता। डॉक्टर पूछता रहता है, ये भी बीमारी है क्या, ये भी बीमारी है क्या, वो सबके हाँ बढ़ता जाता है। आज इस चेतना केंद्र में मैं गया और आयुर्वेद और जड़ी बूटी से बीमारियों का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, उस प्रदर्शनी को मैंने देखा, तो जो भी चित्र जिस रोग के संबंध में मैंने देखा, उपचार की व्यवस्था देखी, मैं समझता हूँ कि मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे शरीर में सब प्रकार के रोग हैं और उन रोगों का उपचार और कहीं हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन चेतना केंद्र में निश्चित रूप से हो सकता है। इस गायत्री परिवार से संबंध मेरा एक दो दिन का नहीं है। सबसे पहले मेरा संबंध आया था 1972 में। 1972 में आचार्य श्री राम ने मुझे और हमारी विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष, उन दोनों को आमंत्रित किया। आमंत्रित इस बात के किया, शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री मंत्र का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित युवकों को सारे देश में भेजा जाने का कार्यक्रम था। मुझे डर लग रहा था
कि मुझे वो गायत्री मंत्र का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है और मैं शांति कुंज में चला गया तो मेरी क्या स्थिति होगी। आचार्य जी मेरे साथ थे, मैंने कहा आप, हम ट्रेन से आए थे तो मैं ट्रेन में गायत्री मंत्र क्या है उसको मुझे कंठस्थ करा दो और गायत्री मंत्र की विशेषता क्या है वो समझा दो। हरिद्वार तक हम पहुंच गए, मुझे कंठस्थ भी हो गया और मोटे रूप से गायत्री मंत्र क्या है इसका ज्ञान भी उन्होंने करा दिया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि आज इन लोगों के सामने जो गायत्री मंत्र के प्रकांड पंडित हैं उनमें मुझे कुछ न कुछ बात कहनी है तो किस रूप में कहूँगा। तो वहाँ से मैं गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। मैंने आचार्य जी से कहा कि मैं गंगा स्नान करते करते जो बोलूँगा उसमें उच्चारण यदि अशुद्ध हो तो वह वहीं टोक देना। 15 मिनट में सब कुछ मैंने कार्यक्रम पूरा कर लिया। हम पहुँचे तो आचार्य जी थोड़े खिन्न से हो रहे थे कि आपने बहुत विलंब कर दिया। वो बिल्कुल सही है, अगर मैं विलंब नहीं करता तो इन सारे महापुरुषों के अंदर मैं एक अनपढ़ के रूप में खड़ा रहता, केवल पद के आधार पर मेरा सम्मान होता, मेरी मान्यताएं क्या है उसके आधार पर मेरा सम्मान नहीं करते। वहाँ हमने प्रवचन किया, अब प्रवचन सुनने वाले तो उस समय कोई 2-4 बूढ़े बैठे हों तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जूं जूं मैंने वेदों का उच्चारण किया और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया मैं आपको विश्वास से कहता हूँ एक एक बात नई नई मेरे मन में आती रही, मैं बोलता रहा। परिणाम उसका ही निकला कि उस दिन से मेरे आचार्य गुरुदेव श्री राम जी के साथ बहुत ही निकट के संबंध हो गए, मेरे पारिवारिक संबंध हो गए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कई लोग कहेंगे हमारे पास एटम बम है, कई लोग कहेंगे कि हमारे पास धन दौलत बहुत है, कई लोग कहेंगे कि हमारी जनसंख्या 102 करोड़ है, कई लोग ये कहेंगे कि हमारी यहाँ नदियाँ खूब है, कई लोग कहेंगे कि हमारा जो भूमि है वो हमारे पास बहुत है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ ये शक्ति हमारे पास नहीं है। आज हरिद्वार में हम गंगा स्नान जाते हैं और जहाँ जहाँ भी गंगा बहती है कई कुंभ मेले कई प्रकार के मेले तो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। ये गंगा कहाँ से आई? ये भगवान शंकर की जटा से भागीरथ ने निकाली और उस गंगा में स्नान किए ही नहीं, उस गंगा में यदि अस्थि प्रवाह नहीं करते तो दूसरा लोक भी हमारा ठीक रहेगा इसका विश्वास पैदा नहीं होता। उस गंगा में जितनी शक्ति है उसी प्रकार की शक्ति किसी चीज में है तो वेदों में शक्ति है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वेदों में जितनी बड़ी शक्ति है उसका लोहा केवल भारत ने स्वीकार नहीं किया है, संसार ने उसको स्वीकार किया है और ये वेद ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का प्रकटीकरण जिस प्रकार से भागीरथ ने शंकर की जटा से गंगा को निकालकर सारे देश में प्रवाहित किया उसी प्रकार से वेदों को यदि हमने उनका ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को सारे लेकर संसार में और अपने देश में भेजने की कोशिश की तो इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। इस शक्ति को हमने आज तक पहचाना नहीं और इस शक्ति को पहचानने की जब बात करते हैं कि इस शक्ति को पहचानो, अब आप देख लें आज संसार में अपने देश में जिस प्रकार के संकट, उस संकट में सबसे बड़ा संकट है आज के दिन प्रदूषण का, पर्यावरण का। ये संकट क्यों पैदा हुआ? यदि हमने वेदों का पालन किया होता, आपने देखा होगा वेदों में पशु और पक्षी इन दोनों की हमने पूजा की है, पशु की पूजा की है, पक्षी की हमने पूजा की है। एक बात तो हमेशा आजकल दिल्ली है इसलिए होती है कि नहीं होती मैं कह नहीं सकता, मैं महेंद्र सिंह जी तो गांव के रहने वाले हैं वहाँ तो होती होगी, हर सात के मौके पर उसके बच्चे और उसके परिवार के लोग ये समझते हैं कि हमने श्राद्ध के अवसर पर
कौवे को बुलाकर खीर नहीं खिलवाई तो ये हमारे जो चले गए पूर्वज उनको खीर कभी नहीं मिलेगी। आज तक इस देश में विश्वास चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है? हमने कौवे की पूजा की, हमने चूहे की पूजा की, हमने गाय को माता का रूप दिया, ये सब कुछ किया। पशु पक्षी और पुरुष इसमें हमने अंतर नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में ये देश जो आज पशु पक्षी पेड़ पौधे इनका जहाँ विनाश हो रहा है और उसके कारण से पर्यावरण की समस्या पैदा हो रही है, इस पर्यावरण की समस्या पैदा करनी है तो पेड़ का क्या महत्व तो ये समझना पड़ेगा, पशु का इस पर्यावरण को शुद्ध रखने में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको देखना पड़ेगा, पक्षी कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसका अनुमान लगाना पड़ेगा, और पौधे कितना इसका संरक्षण कर सकते हैं इसका अनुमान लगाना पड़ेगा। जब इन सब चीज़ों का अनुमान लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वेदों में इस प्रकार की उपस्थित परिस्थिति पैदा होने पर उसका समाधान किस प्रकार से होगा, इसका भी आपको उल्लेख मिलेगा। आज हमारे सामने इस प्रकार के कई संकट। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि वेदों से केवल एक ही नहीं, वेदों से आयुर्वेद निकली, वेदों से शक्ति निकली, वेदों से ज्ञान का भंडार निकला, और वेदों से मनुष्य की रचना क्या है इस रचना का पूरा चित्र हमारे सामने आया है। और रचना में किसी प्रकार का बिगाड़ होता हो तो उसका सुधार किस प्रकार से किया जाए इसकी हमने व्यवस्थाएं की है। आज मैं पांड्या जी के प्रति और उनके श्रीमती शैलजा जी के प्रति मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि दिल्ली में तो मैं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पा सकता था लेकिन नोएडा में कर दी। मैं समझता हूँ आपने स्थान बहुत बढ़िया चुना है, बहुत बढ़िया चुना है। जहाँ राजनीति का केंद्र है उसको यदि आपने शुद्ध कर दिया, गंगा जहाँ से निकलती है वो यदि शुद्ध हो गई तो गंगा पूरी शुद्ध चलेगी। यदि दिल्ली को आपने शुद्ध कर दिया तो देश अपने आप से शुद्ध हो जाएगा। भगवान करे आपका ये अभियान सफल हो। और आज जो इन्होंने मैंने देखा, 2 वर्ष के अंदर सारा काम खड़ा कर दिया, कोई बूते की बात है किसी आदमी की? 2 वर्ष में सब प्रकार की अपनी जो की जानकारी थी उसको जनता के सामने रखी। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूँगा कि आप आपके मन में सोच कर चलें। मैंने आपको बता दूँ, मैं हमेशा गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ। घर से बाहर निकल रहे हो तो उसके पहले गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ। और आजकल राज्यसभा का चेयरमैन हूँ तो राज्यसभा कैसे चलती है आपको पता ही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लोग मुझे रोज़ पूछते हैं राज्यसभा कैसे चला रहे हो। वो राज्यसभा चलती है तो एक बार नहीं, 2 बार 100-100 बार गायत्री का मंत्र का जाप करके जाता हूँ। ये सबसे बड़ी शक्ति में लेकर जाता हूँ। अब इससे आप अंदाज लगा लें कि इस मंत्र में शक्ति है। इस मंत्र को आप समझने की जरूरत नहीं है, समझ लें तो बहुत बढ़िया। आप राम राम रोज करते हैं, भगवान राम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भगवान महावीर की जयंती और उनकी पूजा पाठ करते हैं, कोई अलग अलग देव देवताओं की पूजा करता है, कोई आपसे पूछे कि आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो तो आप ये कहोगे क्या कि हनुमान जी ने लंका जलाई इसलिए पूजा करते हैं? ये तो नहीं कहने वाले हो। लेकिन जिसकी विशेषता थी उस विशेषता के आधार पर मैंने पूजा की है तो इस बात का संकोच मत करो कि हमने गायत्री मंत्र को समझा है कि नहीं। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ गायत्री मंत्र का आपने जाप शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आत्मा में उसका ज्ञान जागेगा और आपको गायत्री मंत्र की शक्ति का उस दिन परिचय होगा जिस दिन आप गायत्री मंत्र का जाप करते जाएंगे। मैं इसलिए पंड्या जी के प्रति बहुत आभारी हूँ। ये मेरे से नाराज भी हैं दोनों, और नाराज इसलिए है कि मैं वहाँ शांति कुंज पिछले दिनों में नहीं जा पाया। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे भी कई बीमारियाँ हैं। मैं मेरे स्टाफ को कहता रहता हूँ मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो, मैं शांति कुंज में चला जाऊँ। और शांति कुंज में कहा वहाँ उपचार की ज़रूरत ही नहीं है, गंगा में रोज़ स्नान करूँगा और शांति कुंज में आऊँगा और वहाँ पर मैं इन्हीं गायत्री मंत्र का जाप करूँगा, मुझे विश्वास है मेरी बीमारियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में मैं ये कोई भ्रम पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पंडा जी एक बात कह गए कि मन में यदि संकल्प सही है, मन में संकल्प शक्ति है तो बिना उपचार के आदमी की व्यवस्था हो सकती है। आखिर मन खराब होता है तभी शारीरिक रचना में किसी न किसी प्रकार का विघ्न पैदा होता है। मेरा विश्वास है कि आप नोएडा के लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और आपके माध्यम से
ये सारा वेद दिल्ली में प्रवेश करता जाए धीरे धीरे और कोई दिल्ली का एरिया नहीं छोड़े, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि नोएडा के मार्फत आप हिंदुस्तान का उद्धार कर देंगे और इस उद्धार में आपका सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुआ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है वेद। हमारी वैज्ञानिक प्रगति का आधार भी वेद ही है। हम आपको ये भी बता दें कि वेदों की जननी गायत्री है और इसीलिए उन्हें वेद माता भी कहा जाता है। और महामहिम जी ने साथ ही इसके ये भी कहा कि ऐसे चेतना केंद्र वेदाध्ययन को प्रोत्साहन देंगे और संपूर्ण राष्ट्र में जागृति फैलेगी। बहुत सुंदर शब्दों में महामहिम जी ने सभी को संबोधित किया। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।